गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे की जो एसएसटी स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 का नाम है रिक्रिएशन। सो हम लोग रिक्रिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। रिक्रिएशन मींस होता है मनोरंजन। अच्छा, हम लोगों ने इसके हार्ड वर्ड्स नहीं है लिखी है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके हार्ड वर्ड। सो इसमें आज जो वर्ग है, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया था फिलिंडर लाइन्स थे एंड ट्रू फॉल्स थे सर। और आज का जो वर्ग है वो मैच का फॉलोविंग है। आपको यहाँ दो कॉलम दिए गए, आपको उसमें मैच करना है। सो फर्स्ट है यहाँ पे कैरम। कैरम एक गेम है जो कि इंडोर गेम है। सो आप इसको सेकंड से मैच करेंगे। सेकंड फुटबॉल। फुटबॉल भी यहाँ गेम है जो कि एक आउटडोर गेम है। सो इसको थर्ड से मैच करेंगे आउटडोर गेम से। रीडिंग जो है एक अच्छी आदत है। रीडिंग मीन्स पढ़ना एक अच्छी आदत है, जैसे बुक रीड करना, स्टोरी बुक है या कॉमिक्स वगैरह और न्यूज पेपर, कुछ भी आपको रीड करना है तो रीडिंग जो है वो अच्छी आदत है। तो इसको 3 को 5 से मैच करना है। एंड पार्क। पार्क जो है उसमें क्या होते हैं, स्लाइड्स एंड स्विंग्स होते हैं। सो उसको आप फर्स्ट से मैच करेंगे। झूले होते हैं एंड जो स्लाइड होती है सरकने वाली वो। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे वॉचिंग कार्टून्स। तो वॉचिंग कार्टून आप टीवी पे करते हो, टेलीविजन पे। सो उसको 4th से मैच करना। ओके, सो ये थे आपके कुछ वो मैच का फॉलोविंग एंड बुक में कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटी है जिसको आप बुक में करना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ। सो ये है यहाँ पे इंटेक्ट जोन में है। यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसमें फिल कर लेना। योर फेवरेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी विथ फैमिली। रिक्रिएशनल एक्टिविटी मैंने बताया था, जब आप लोग कोई एक बार करते करते बोर हो जाते हो, फिर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो वो एक्टिविटी जो आप अपनी फैमिली के साथ में करते हो और वो आपको पसंद है, जो आपकी बहुत फेवरेट है, वो आप यहाँ लिख लेना। जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप अपनी फैमिली के साथ में कैरम खेल सकते हो, तो यहाँ प्लेइंग गेम लिख सकते हो, या कोई भी और एक्टिविटी। हमने प्लेइंग गेम लिखा है यहाँ पे, पर आप प्लेइंग कैरम लिख सकते हो। ओके, और भी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो यहाँ पे। योर फेवरेट इंडोर गेम। इंडोर गेम आपको यहाँ लिखना है जो आपका फेवरेट हो। इंडोर गेम जैसे लूडो है, कैरम, कार्ड्स, स्नैक लैडर्स और प्लेइंग कार्ड्स वगैरह बहुत सारे गेम हैं इंडोर में, जो आपको यहाँ पे जो आपका फेवरेट हो वो आप यहाँ लिखेंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे योर फेवरेट आउटडोर गेम। ऐसे आउटडोर गेम होते हैं जो घर के बाहर खेलते हैं। ओके, फुटबॉल, बास्केटबॉल और कबड्डी और भी बहुत सारे हैं, हॉकी, क्रिकेट, ये सभी हैं, स्विमिंग है। और तो ये जो आप अपनी फैमिली के साथ फैमिली के साथ में जो आपका फेवरेट आउटडोर गेम हो वो आप यहाँ लिखना। फिर यह है यहाँ पे योर फेवरेट पिकनिक स्पॉट। पिकनिक स्पॉट का मतलब होता है आप पिकनिक के लिए कहाँ जाते हो, वो आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। जैसे पार्क है, किसी पार्क का नेम है, पार्क है, 2-3 पार्क है जिसमें आपको जो आपका फेवरेट पार्क हो वहां आप उसका नाम लिख सकते हो, या और भी कोई जगह है जहां आप पिकनिक के लिए जाते हो तो आप उसका यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी फेवरेट लिखनी है। ओके, सो आपको ये जो एक्टिविटी है ये बुक में ही करना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हैप्पीनेस अराउंड अस है। इसमें ये भी एक्टिविटी आपको बुक में ही करनी है। यहाँ टेक द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दैट मेक यू हैप्पी। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि आपको वो एक्टिविटी करते हो तो आपको आप प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो। सो फर्स्ट है यहाँ पे गोइंग आउट फॉर ए पिकनिक। आप जब पिकनिक पे जाते हो तब आपको अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे टिक करना। फिर यहाँ रीडिंग, बी नंबर पे रीडिंग कॉमिक्स। अगर आपको कॉमिक्स की बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इस पे यहाँ टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेइंग ए पियानो। आपको पियानो बजाना अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ टिक करना। फिर है यहाँ पे डी नंबर पे वॉचिंग टीवी विथ फैमिली। अगर आपको ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है तो इसमें अगर आपको अपनी फैमिली के साथ में टीवी वॉच करना अच्छा लगता है, टेलीविजन देखना, कोई फेवरेट कार्टून देखना, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे प्लेइंग आउटडोर गेम्स। अगर आपको ये जो हॉकी है और ये वाला गेम जो आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ टिक करना। फिर आएंगे प्लेइंग विद फ्रेंड्स इन ए पार्क। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्क में खेलना अगर अच्छा लगता हो तो आप यहाँ टिक करना। सो ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थी ओवरऑल, सो इसमें आपको जो भी पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वो आप उस एक्टिविटी पे टिक करेंगे। ओके, सो ये आपकी और वो जो अभी लास्ट में किया था वो दोनों आपको आपकी बुक में करनी है। और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओके, तो उसमें आप जो कॉपी में है तो कॉपी में ऐसा फॉलोइंग करके हम इसको लिख लेना और मन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग हार्ड वर्क करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू।